Hello friends, welcome back to Spoon of Calcutta. If you are looking forward to a healthy chicken salad, then here it goes right from my kitchen for you all. First, take a chicken breast and prick it all over to let the masalas go inside. इसे चिकन ग्रिल करने के बाद ज्यादा सॉफ्ट और फ्लेवरसम लगता है। Now let's make the dry masala mix. For this, मैंने 1/2 teaspoon जिंजर पाउडर, 1/2 teaspoon गार्लिक पाउडर, आप पेस्ट भी यूज कर सकते हो, 1/2 teaspoon रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, 1/2 teaspoon पेपरिका पाउडर, 1/2 teaspoon पेपर पाउडर, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon लेमन जूस और 1 tablespoon ऑयल अच्छे से मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लिया है सो दैट इट स्टिक्स टू द ब्रेस्ट नाइसली। अब हम चिकन ब्रेस्ट को इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। आप इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हो और अगर किसी को मेरे जैसे लास्ट मिनट जुगाड़ का खाना खाना है तो वो मैरिनेट करके इमीडिएटली भी इसे ग्रिल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने मैरिनेट करते वक्त ही तेल ऐड कर लिया था इसीलिए ग्रिल करते वक्त और यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैंने बोथ साइड टोटल 10 मिनट्स तक ग्रिल करा है। फ्लिप करते वक्त मैरिनेट करा हुआ प्लेट में जो एक्सेस मसाले रह गए थे वही थोड़ा ऊपर ऊपर ब्रश कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स इन द एंड डू चेक इट विद अ टूथपिक कि ये पूरी तरह अंदर तक पका है या नहीं। सी इट्स बिकम नाइसली ब्राउन एंड ग्रिल्ड। Now place it on a plate and cut it into slices. अब हम बनाएंगे सलाद ड्रेसिंग। इसके लिए मैंने 1/4 cup योगर्ट, आदत से मजबूर होकर आई एडेड 1/4 cup मायोनीज, बट इफ यू वांट टू मेक इट हेल्दी एंड डाइट फ्रेंडली देन डोंट ऐड मायोनीज एंड डबल द योगर्ट। 1 teaspoon oregano, 1/2 teaspoon thyme, 1 teaspoon pepper powder and 1 teaspoon salt. मैंने यहाँ पे गलती से salt बाद में add करा है, so you better add now and mix everything nicely. अब हम इसमें add करेंगे veggies, like 4 cherry tomato diced, 1 big onion sliced, a bunch of lettuce leaves chopped and the grilled chicken breast. Now mix everything nicely. You can also add chopped cucumber, bell peppers, carrot, beets, etc. Remember, more colorful salad equals to more nutritious salad. मैंने तो घर पे जो कुछ था उसी से अपना जुगाड़ चला लिया, पर आप लोग घर पे इसे अच्छे से बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। See how beautiful it looks, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी बनता है।